तो भाई लोग फाइनली बॉलीवुड किसी रीमेक को छोड़ के एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाई है और इस फिल्म से जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही अच्छी ये फिल्म निकली। तो भाई लोग रिव्यू शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। इस फिल्म के अंदर थोड़ी बहुत गलती देखने को मिलेगी, बट कुछ नया ट्राई कर रहे तो गलती चलती है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप लोग को मैं सच बता रहा हूँ, जब भी आप फाइटिंग सीन देखोगे आप लोग को बहुत मजा आने वाला। देखो बहुत लोग बोलेंगे वीएफएक्स चीप था या फिर मतलब थर्ड क्वालिटी था, बट जैसा भी था अच्छा था, एक लेवल पे था, बजट के हिसाब से सही था। और एक्टिंग की देखा जाए तो सबकी एक्टिंग तो सही थी, बस मेरे को मोनी रॉय की एक्टिंग थोड़ी सी पीखी लगी। वो सीरियल वाली एक्टिंग कर रही थी, मतलब जो इतने साल से नाक बनी थी, इस फिल्म में मुझे कुछ वही वाली फीलिंग आई। बाकी सबकी एक्टिंग अच्छी थी। और स्टोरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग से स्टोरी बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा था। और सबसे बड़ी गलती मुझे इस फिल्म में क्या लगी, जो भी इसके अंदर शाहरुख खान का कैमियो था वो स्टार्टिंग में ही कर दिया। मतलब वो जो सस्पेंस बना रहता है ना व्यूअर्स के लिए, वो स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया। मतलब स्टार्टिंग ही शाहरुख खान से किया, वो भी कैमियो था उसके अंदर भी स्टार्टिंग से ही किया। और उसके बाद इसके अंदर शाहरुख खान तो चलो मर गया, उसके बाद अपना जो नागार्जुन थे कुछ मिनट के लिए थे, तो स्टार्टिंग में जो फिल्म है ना वो बहुत तेजी से भागेगा। और उसके बाद जब आलिया भट्ट और रणवीर कपूर मिलेंगे तो बहुत फटाफट ऐसा सब बीतेगा कि हाँ ये दोनों क्लोज फ्रेंड हो गए, उसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए और उसके बाद सब उसका राज निकलने लगा रणवीर कपूर का। ये सब स्टार्टिंग में बहुत जल्दी होता है। देखा जाए तो ये जो ब्रह्मास्त्र का पार्ट वन बना है, ये ब्रह्मास्त्र का एक बेस है। और उसके बाद एंडिंग सीन तो बहुत बवाल है, लेकिन मुझे एक दिक्कत आई कि जो फाइटिंग सीन एक था उसके अंदर, उसमें जो केजीएफ 2 में जो फाइटिंग सीन होते टाइम वो जो ब्लिंक होता है ना, ब्लैक आता है फिर फाइटिंग सीन दिखाता है, वो सीन इसके अंदर भी, अब क्या पता ये पहले से था कि केजीएफ 2 देखने के बाद क्रिएटर्स लोग के माइंड में आया। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे सुपर हीरोज आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास सुपर पावर रहेगी, तो आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। सच बता रहा हूँ, मेरे को एक एवेंजर वाली फीलिंग आ रही थी इसके अंदर। बाकी तो मैं नहीं बताने वाला, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। बाकी आप इस फिल्म को जाके देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही बवाल फिल्म है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो अग्निदेव थे वो शाहरुख खान होंगे, बट वो नहीं थे। और उसके बाद अभी देखो अग्निदेव के ऊपर पार्ट 2 बनने वाला है शिव करके, देखते क्या होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मूवी देखोगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मूवी कैसी लगी आपको। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।